कमेंट करके बताओ कभी आप गए हो कि नहीं बारबेक्यू नेशन, और गए हो तो क्या आपने सारी चीजें ट्राई कर पाए हो। भाई जब मैंने सुना है बारबेक्यू नेशन इज बेसिकली फॉर चिकन लवर्स, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, माय नेम इज अक्षत एंड यू आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। आज खाने का व्लॉग होने वाला है थोड़ा बहुत, आज आने वाले बारबेक्यू नेशन और खूब सारा पेल के खाने वाले हैं। बाय द वे जो मैंने शर्ट पहनी है आप देख सकते हो, इसका मैंने व्लॉग ऑलरेडी कल डाला है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखना, बहुत प्यारी है। द सोल स्टोर के वीडियो मैंने डाला है लास्ट, वो देखना। सो एक फ्रेंड के साथ जाने वाला हूँ, उससे बर्थडे पार्टी लेनी है मुझे, तो देखते हैं भाई चलते हैं। सबको बंद कर दें, लेट्स गो। शूटिंग के चक्कर में कैमरा ही भूल गए यार, हेलमेट भूल गया हूँ मैं, और बारबेक्यू नेशन में टाइम दिया हुआ है, ऑलरेडी लेट हूँ तो अब हेलमेट तो नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, आपका आज व्लॉग का पार्ट हो आप। सच में अभी तो 4-5 दिन से जो बारिश हो रही है पुणे में, रुक ही नहीं रही है। आज लगा थोड़ा रुक जाएगी, बट घर से निकलो और फिर से बारिश होने लगी। ये फ्लाईओवर के नीचे नीचे रहते हैं तो बारिश लगती नहीं है। स्टार्टर आपके टेबल पे रहेगा, ठीक है सर। ओके, स्टार्टर में हमारा 7 वेज 5 नॉन वेज रहेगा। ओके, हम अनलिमिटेड आपको टेबल पे सर्व करेंगे। ओके, आपका रोटी नान टेबल पे ही आएगा। ओके, मेन कोर्स आपको इधर रहेगा, इसमें मेन कोर्स में डेजर्ट है, सैलेड है, सूप है, जो आपका सेल्फ सर्विस रहेगा यहीं से लेना है। इसमें पैकेज रहेगा सब कुछ, कुल्फी काउंटर इधर है, लाइव काउंटर इधर है। ओके, आपका सेल्फ सर्विस रहेगा। लाइव काउंटर में पानी पूरी है, पापड़ी चाट है, पालक चाट है, पास्ता है, कुल्फी है, जो आपका सेल्फ सर्विस रहेगा। बस फर्स्ट टाइम ही आएंगे नहीं से अनुरोध कर दूँ मैं यहाँ पर। ओके थैंक यू। एलर्जी किसी चीज़ से? एलर्जी है क्या? अच्छा, यहाँ पे हमारा ग्रिल होगा और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में क्या चीज़ है ये। हैड माय फुल, तो हम चिकन खाने वाली हो चलो, और हमारा जो भी है यहाँ पे ग्रिल होने वाला है, और ये प्लेट्स लगा दी हैं। काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें, और लाइव काउंटर्स है, मेन कोर्स हमको उठ के लेना है, वो टेबल पर नहीं देंगे। स्टार्टर्स अनलिमिटेड है, और ये यहाँ का मेन्यू वगैरह दिया है। क्या क्या है इसमें? नाइस, आज दबा के खाने वाले, कुछ ओवर ईटिंग करेंगे आज, ओवर ईटिंग करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। सो स्टार्टिंग विद दिस पापड़ी चाट, यहाँ पे पानी पूरी का सेक्शन है, इसको कवर करने ही भूल गया, पास्ता भी यहीं बन जाता है। तो जो भी ग्रिल वगैरह रहेगा इसमें वो स्टार्टर ला के रखने वाले हैं, और इसी में ग्रिल होगा सामने, और हम लोग को इसी से खाना है। बाकी आपको अभी उठ के लाइव काउंटर्स भी दिखाऊंगा, ये तो मैंने ख़त्म कर दिया। तो नॉनवेज में आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे, सूप है, देन उसके बाद बहुत सारी है, चिकन दम बिरयानी किया है, सारी पेश करी, माय गॉड। और वेज में भी बहुत सारी चीज़ें, पनीर बटर मसाला, सब्ज़ मेलोनी, विच इज़ स्टीम राइस, कश्मीरी तड़का, पुल आलू। तो यहाँ पे तो अपना पनीर, पनीर आलू, वाटरमेलन, ग्रिल वाटरमेलन खाने आएगा, पाइन एप्पल, हाँ ये बहुत अच्छा लगता है, ग्रिल पाइन एप्पल, तंदूरी पाइन एप्पल, एंड दिस इज़ मशरूम। सॉरी भाई अपने को खाते नहीं आता है, फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको ग्रिल होने दे रहा है पहले। ओके ठीक है ना यार, इसमें इतना क्या नहीं पता है ना भाई, गरीब लोग हैं अपन, बनने दो इसको। नॉनवेज, ओ सॉरी, नॉनवेज की जगह तो बहुत कम छोड़ी है। तो ये है चिकन विंग्स, और ये है मटन कबाब, और ये अभी बन रहा है हमारा। पाइनएप्पल खाना है मुझे, पाइनएप्पल बहुत सही होता है इसका। सर आपको प्रॉन, तंदूरी फिश, थैंक यू। मैं तो चिकन टिक्का, फिश और प्रॉन है, ये देख सकते हो, क्या बताएं क्या है।
प्रॉन तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। देखो बारबेक्यू आके भी चाय ढूंढ रहे हैं बच्चे। और ये अभी स्वीट कॉर्न दे दिया है, क्रिस्पी कॉर्न। पाइनएप्पल्स भी खाने का बहुत ज़्यादा अच्छा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा। स्टार्टर्स तो लिटरली बहुत अच्छे, मेन कोर्स पे बाद में आएंगे, अभी तो स्टार्टर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पाइनएप्पल खाते हैं। बस स्पाइसी है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। पाइनएप्पल खट्टा है, स्पाइसी है, स्वीट है, नाइस। हाँ पनीर टिक्का बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा मैरिनेशन, अमेजिंग। पनीर में यूजुअली क्या होता है ना कि जो मैरिनेशन है अच्छे से पकड़ता नहीं है, उसका मैरिनेशन बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, रियली नाइस। ना आलू, ओ माय गॉड, तो ज़्यादा ही गर्म है ये। कैसी लगी आगे स्वाद? ओके, तो आलू गर्म बहुत था, टेस्ट एवरेज है, आलू इज़ नॉट वेरी गुड। ओके ओके, बाय द वे मैंने सुना है कि बारबेक्यू नेशन इज़ बेसिकली फॉर चिकन लवर्स, जो नॉनवेज खाते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दिख तो रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब वेज से ज़्यादा ऑप्शंस जो है ना इसमें और नॉनवेज के, और अच्छा भी दिख रहा है। एक क्वेश्चन है जो मैं पूछने वाला हूँ इनसे, उनको बुलाता हूँ और फिर कैमरा उनके साइड नहीं करूँगा ताकि उनको समझ में आए, समझ में ना आए कि कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। ताकि ये मशरूम है उसको भी ट्राई करते हैं। अनुज मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ये जैसे आपका ग्रिल तो ये सेम है ना, जो स्टिक्स हैं ये स्टिक तो सेम है? नहीं नहीं, हाँ नहीं, ये जो है ना ये नॉन वेज। ओ अच्छा, ओके ओ ये जो नॉन वेज का है जो रेड में था, रेड में था, अच्छा थोड़ा ग्रीन में था, ओके ग्रीन और वेज में तो हो गया, ग्रीन और रेड में हो गया नॉन वेज। समझ गया। तो अभी ना थोड़ा कोविड से जैसे काफ़ी टाइम हो गया था इनको रखे हुए, तो मैंने उन्हें डेजर मतलब रैप वगैरह मार के रखा था। ओके, इसकी वजह से अभी ऐसा करते। नहीं मुझे लगा कि ये ऐसा मतलब सेम सेम सा लग रहा है। चलो ठीक है, फिश भी अपना चेंज है सर। ओके ओके, किचन में भी सेम है, वेज नॉन वेज का अलग अच्छा है। चलो देखो मैं आपको इसका कंसेप्ट बता रहा था, अगर आपका स्टार्टर हो जाता है लाइक आपका पेट भर गया है, आपको मेन कोर्स स्टार्ट करना है, सो ये देखो हेड मैक फुल लिखा है इसमें, ये आपको झंडा नीचे कर देना है। इसको नीचे कर देने से आपका स्टार्टर हो गया, अब आप मेन कोर्स खाने वाले हो तो वो टेबल पे सर्व करना बंद कर देते हैं, बस रोटी और नान करते हैं सर्व। तो अभी मैं मेन कोर्स पर दिखाता हूँ क्या क्या है, लेट्स गो। नहीं पेट भर गया गाइस, पेट भर गया। मैं आईफोन में शिफ्ट करता हूँ, उसमें बेटर क्वालिटी आती है। चलो भाई नॉनवेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुर्ग का शोरबा, देन उसके बाद मुर्ग का दम, बेसिकली दिस इज़ अगेन चिकन की सब्जी बोलो चिकन, और ये है आपका अगेन व्हाट, चिली चिकन एंड राजस्थानी लाल मांस, ये मटन है शायद, लाल मांस को मटन बोलते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। केरला फिश करी ये आप देख सकते हो, और इसके बाजू में है अंडा, और ये है आपका चिकन बिरयानी, रायता, पापड़, माय गॉड। यहाँ पे आपका पूरा सैलेड सेक्शन है, ये किमची किमची टाइप का लग रहा है कुछ। वेज में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, देखो आपको यहाँ पे नूडल्स हैं, देन उसके बाद गोभी मंचूरियन, देन उसके बाद शेफ्स स्पेशल वेज, और इसके बाजू में है आपका कश्मीरी तड़का आलू, और ये है दाल ए दम, और इसके बाजू में है पनीर बटर मसाला, दाल और पनीर बटर मसाला। यहाँ पे आपका
वेज दम बिरयानी और सब्जी मिलोनी मिक्स वेज, और यहाँ पे दाल चावल नाइस। और ये क्या है, ये अगेन सूप है वेज। अच्छा एक चीज़ और, जो वेज की प्लेट्स है ना उनमें ये ग्रीन रिंग बनी हुई है, तो इसमें यहाँ पे जो वेज और नॉन वेज की प्लेट्स भी अलग है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है, अंगूरी जामुन नाइस, मूंग दाल का हलवा और आइसक्रीम। और इस साइड में सेक्शन है कुछ अच्छा सा, ये हैं आपकी पेस्ट्रीज, इन सब पेस्ट्रीज, चीज़ी चॉकलेट ब्राउनी, और ये है फ्रेश कट फ्रूट्स नाइस। तो यहाँ पे जो ये अनुज भी है काम कर रहे हैं, इनको हमने बोला कि भैया आपके वेज में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए हमको ऐसा वैसा, तो उन्होंने खुद से ये पनीर चिली बना के लाया। बहुत बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का, बहुत अच्छा स्टाफ है। ये अनुज भी है फ्रॉम हरिद्वार, बहुत बहुत अच्छा सर्विस दिया इन्होंने। तो सबसे पहली ट्रिक ये है कि अगर इतना सारा खाना खाने आओ ना कहीं पे, मीठा कभी भी पहले मत खाना, क्योंकि मीठा खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा और फिर आप कुछ नहीं खा पाओगे। अभी इतना सारा खाना बचा हुआ है, मेन को स्टार्ट भी नहीं किया है, और इतना सब कुछ है खाने के लिए वहाँ पे। देखते हैं, 12:30 बजे आए थे, 2 बज रहे हैं, और धीरे धीरे खाएंगे, अभी 3 बजे तक खाएंगे, अभी धीरे धीरे बस कह रही हूँ खाएंगे। हम लोग ललित मोदी और सुष्मिता सेन के अफेयर की बात कर रहे थे। ओके सनी वेस, ये आ गई है रोटियाँ, एकदम गर्म रोटियाँ, बहुत अच्छी बहुत अच्छा रोटी ना ड्रिंक कर, नहीं नहीं अभी रखा हुआ है तो लगेगा तो बता। थैंक यू भाई, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे सच में, जो वेटर्स हैं आके सीरियसली, मैंने उनको बोला कि खाना अच्छा है तो उनसे अच्छा मत बोलो, ये हमारा कंप्लेन हो जाता है, बोले एक्सेलेंट बोलो, तो एक्सेलेंट बोलना पड़ता है यहाँ पे, एक्सेलेंट या परफेक्ट, बहुत अच्छा स्टाफ है। मैं एक्कर ही खाता हूँ नॉनवेज में, मैंने एक्कर ही ली है, बहुत अच्छी ग्रेवी है, बहुत अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा है एक्कर ही। अभी तो गोभी मंचूरियन और नूडल्स ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं। नूडल्स बहुत एवरेज है, नॉनवेज ट्राई गोभी मंचूरियन, अच्छा नहीं है ना गोभी मंचूरियन अच्छा है ना नूडल्स अच्छे हैं। देखो गाइस, ग्रीन कलर की रिंग है, इसमें अपन वेजिटेरियन सेक्शन में है, और ये अपन वेज लेने वाले दाल चावल नहीं खाएंगे, हरी मटर मसाला तो ये ख़त्म हो गया, बस हो गया। नीचे जा रहा है वो अपने आप। ओके तो अब मेन कोर्स का रिव्यू देंगे हम, एक एक करके सब्जियाँ टेस्ट करेंगे। सबसे पहले पनीर बटर मसाला, हाँ छोटी सी प्लेट तैयार की अपनी, पनीर बटर मसाला इज़ रियली गुड, मज़ा आ गई। पनीर लो ना, पनीर लो ना। नेक्स्ट बारी है दम आलू की, दम आलू की सेली गुड़िया नाइस। नेक्स्ट सब्स ए मिलोनी, ओके ओके, मिक्स वेज जैसी रहती है वैसी है। अब हम आ रहे हैं शेफ स्पेशल वेज में,
शेफ के स्पेशल भी कुछ स्पेशल नहीं लग रहा। नो मेन दाल मखनी, अगर दाल मखनी अच्छी नहीं हुई मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊँगा। दाल मखनी सबको बनानी आनी चाहिए। नाइस, नॉट अमेजिंग आई वुड से बट गुड, वेरी गुड। भाई तो गार्लिक नान मैंने लाने को बोला था इनको, छोटा सा एकदम छोटा सा गार्लिक नान लाया है इनने, मतलब ऐसे ही 2 या 3 पीस का बस। और बटर गार्लिक नान के साथ पनीर बटर मसाला इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पनीर बटर मसाला कैसे होता है ना, यूजुअली बहुत मीठा होता है बाकी रेस्टोरेंट्स में, तो हल्का सा स्पाइसी है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मीठा भी है बट स्पाइसी भी है। बर्थडे मन रहा है किसी का, हम कह रहे हैं जगह है, अंगूर खाएंगे, शीर कोरमा और मूंग दाल खाओ। खाना ख़त्म ही नहीं हो रहा है गाइस, खाए जा रहे हैं, पेट ऐसा, जगह है, बहुत जगह है। अभी ये छोटा सा क्या बोलते हैं डेजर्ट का मैंने लिया है, उसको भी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले गुलाब जामुन, अच्छा मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट मूंग दाल का हलवा। नाइस, बहुत अच्छा है। केसर फिरनी पता नहीं है तो अजीब सा। उसके बाद ये चीज़ चॉकलेट केक, पता नहीं क्या ये, मूंग दाल का हलवा और ये गुलाब जामुन। नाइस, अभी भी हमारा खाना ख़त्म हुआ, इससे ज़्यादा जगह नहीं है, ख़त्म करते हैं। अब मैं सीधा मिलता हूँ आपको बाहर, पैकअप एस्थेटिक नहीं हो पाया लगता। अरे अनुज भी हमारे, बहुत अच्छी सर्विस दी इनने, मज़ा आ गया। ये फीडबैक रहेगा, हाँ सबसे बढ़िया था। यस यस, थैंक यू। कौन सी कुल्फी बेस्ट है आप बताओ? पान कुल्फी। और ओरियो कुछ नया दिख रहा है, ये ओरियो केसर पिस्ता दे दो आप। चलो भाई, तो बेहतरीन तरीके से खा लिया गया है खाना, पे के ओवर ईटिंग कर ली गई है। अब थोड़ा वॉक करेंगे, खाना अच्छा था, अच्छा खाना था, सब क्या ही बोलूँ। चलते हैं बाइक उठाते हैं, लेट्स गो। तो भैया बढ़िया, 50 रुपये में मेरे को टेम्पर्ड लग जाएगा इधर। और ये है FC रोड। चलो भाई, FC रोड भी घूम लिए, ये खड़ी अपनी बाइक, चला जाए वापस घर। आज तो जिम में जाके अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा, इतना सारा खाया है पता नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक। इतना सारा खाना खाया और लिटरली अपने प्लेट में मैंने चिकन वगैरह सब लिया था वीडियो शूट करने के लिए। सो अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अगर फर्स्ट टाइम हो चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कभी आप गए हो कि नहीं बारबेक्यू नेशन, और गए हो तो क्या आपने सारी चीज़ें ट्राई कर पाए हो, ज़रूर मुझे बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग। सस्ती से सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक है, टेलीग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो सारे अपडेट्स और रील्स वगैरह के लिए, बहुत कुछ वहाँ पोस्ट करते रहता हूँ मैं। सो जय हिंद, जय भारत।